बरेला थाना व गोट चौकी में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बरेला से 4 आरोपियों को 8 किलो गांजा व स्विफ्ट कार सहित गिरफ्तार किया गया। गोट चौकी अंतर्गत गांजा की तस्करी में लिप्त मोटरसाइकिल में 2 आरोपियों को भी 3 किलो गांजा सहित पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि बरेला पुलिस व अपराध शाखा की संयुक्त कार्यवाही के चलते मुखबिर से सूचना मिली कि NH-30 बाईपास के पास से सफेद स्विफ्ट कार में आरोपियों द्वारा मादक पदार्थ गांजे की तस्करी की जा रही है। वही सूचना पर टीम गठित करते हुए नाकाबंदी कर सामने से आ रही स्विफ्ट कार को रोका गया। वही कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट में एक बैग में तलाशी ली गई, जहां पर मादक पदार्थ 8 किलो गांजा कीमत 80,000 रुपए का पाया गया। वही उसमें बैठे 4 आरोपियों को गांजा सहित हिरासत में लेते हुए NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसके साथ ही बरेला गोट चौकी अंतर्गत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर की बताई गई सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल से मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को घेराबंदी करते हुए दबोचा गया, जिनके पास से मादक पदार्थ 3 किलो गांजा पाया गया, जिसे जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वही पुलिस ने बताया कि बरेला थाना अंतर्गत गांजे की तस्करी में लिप्त 4 आरोपी आशीष गोटिया, पप्पू वर्मन, कृष्णा त्रिपाल, दुर्गेश बरखंडे को गिरफ्तार किया गया है। वही तिलहरी में गांजा सहित 2 आरोपी शुभम सोनी व समक्ष श्रीवास्तव को 3 किलो गांजे सहित गिरफ्तार कर सभी आरोपियों के ऊपर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। कल अपराध शाखा जबलपुर और बरेला पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बाईपास नहर के पुल नंबर 2 के पास एक स्विफ्ट कार सफ़ेद रंग की, उसको रोक कर चेक किया गया। उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा तलाशी पर मिला है, जिसमें आरोपी जो कार में बैठे थे अशु गोटिया, पप्पू वर्मन और इसके साथ में चिंकी श्रीपाल, दुर्गेश भरखड़े, ये चारों के संयुक्त कब्जे से गांजा बरामद किया गया है, जो कि कुल 8 किलो 50 ग्राम था। इसी प्रकार गौर चौकी अंतर्गत भी मुखबिर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है, जिसका वजन करीब 3 किलो 700 ग्राम है और जिसमें एक एवेंजर मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए शुभम सोनी और सक्षम श्रीवास्तव, ये दोनों गढ़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इन लोगों के कब्जे से, संयुक्त कब्जे से ये अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है और इन पर NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।